नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको कुबोटा 5501 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? अनमोल सिंह नाम है मेरा। अच्छा जी, फुल एड्रेस बताएं, आप कहाँ रहते हैं? हमारा गाँव है प्रतापपुर, पुरना फार्म है अपना। अच्छा जी। तहसील खटीमा। अच्छा। उधम सिंह नगर उत्तराखंड। तो आप कितने एकड़ खेती करते हैं वैसे? मैं 30 एकड़ की खेती करता हूँ। अच्छा जी। तो ये ट्रैक्टर है कुबोटा 5501, ये आपने कब लिया था? ये 2016 में लिया था। अच्छा जी। तो ट्रैक्टर कैसा चल रहा है वैसे अभी? ट्रैक्टर बहुत बढ़िया सर, ये चल गया आपका 5000 घंटे के आसपास चल गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें अभी तक। अभी तक आपने ट्रैक्टर को कौन से इंप्लीमेंट पे चलाया है वैसे? ये जैसे देख सकते हैं आप, लेवलर पे चल रहा है, लेजर लेवलर पे। अच्छा जी। और रूटावेटर पे चलता है हमारा। कौन सा रूटावेटर आपके पास, कितने फिट का है? रोटावेटर 8 फुट का है हमारे पास। अच्छा जी। सोनालिका का। अच्छा जी। हाँ जी। और हैरो कौन सी है आपके पास? हैरो 9-9 की है। अच्छा, 18 डिस्क वाली। कोई दिक्कत तो नहीं होती वैसे? कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये ट्रैक्टर वैसे घंटे पे कितना डीजल लेता है कम से कम? ये 5 से 6 लीटर मान लीजिए आप रोटावेटर पे लेता है। अच्छा। बाकी हैरो पे 5 लीटर के अंदर अंदर। वो तो जैसे ट्रैक्टर चलाओ ड्राइवर पे बहुत डिपेंड करता है। कितने आरपीएम पे चलाना है ये थोड़ा सा, इसमें जैसे इसके रेटेड आरपीएम जो है वो आप देख, जैसे आपको पता ही होगा इसके 2300 रेटेड आरपीएम है, इसलिए हमें ये 2000 आरपीएम पे 1800 से 2000 बीच में चलाना पड़ता है। अच्छा जी। हाँ जी। और वैसे अभी तक ट्रैक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आई है क्लच वगैरह में, गियर बॉक्स में? क्लच तो जैसे घिसाई अपने हिसाब से, जैसे हमने वैसे आम ट्रैक्टरों का 3000 पे पड़ जाता है, हमारा जैसा काम भी लेबर का है और भूसी वाली मशीन रीपर पे चलता है। रीपर पे चलता है? हाँ जी। हाँ जी। तो हमने इसको 4000 घंटों पे चेंज करवाया था क्लच को। अच्छा जी। रीपर कौन सा, 61 इंची वाला है, 57 इंची वाला? 57 इंची वाला है। अच्छा। केएस का रीपर है। केएस है। हाँ, बहुत बढ़िया चलाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। और गियर बॉक्स में कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक? गियर बॉक्स में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा। बाकी इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, जैसे कंपनी को सुधार करना चाहिए। जी बताइए। जैसे इसके अगले एंड जो है ना, एंड। अच्छा, ये एंड में बहुत समस्या है, इसमें ग्रीसिंग वगैरह होने का ऑप्शन नहीं है और ये एंड हमने जैसे 2 बार डाल दिया अभी। बिल्कुल जी। हाँ, तो इसकी हमें थोड़ी सी, इसके चक्कर में टायर भी खाता है फिर अगला हिस्सा जो है। हाँ जी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कंपनी को सुधार करना चाहिए इस चीज़ में। और बताएं ट्रैक्टर का, वैसे ये ट्रैक्टर काफ़ी लोग किसान भाई बोलते हैं कि वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं करता है। नहीं, वाइब्रेशन ऐसा ना, मैं आपको बताऊँ, ट्रैक्टर कोई भी है। बिल्कुल जी। ये वाइब्रेशन एक छोटी सी चीज़ नहीं है। हम इसको, आपने इसका जो इंट्रोडक्शन में सुना होगा, वाइब्रेशन नहीं करता है। बिल्कुल, ये तो कुबोटा वाले सबसे पहले बोलते हैं ना। लेकिन वाइब्रेशन का बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है। मान लीजिए ट्रैक्टर, आप वाइब्रेशन करने वाले ट्रैक्टर पे आप बैठ गए, आप उसको 3 घंटे आपने चला लिया, आप रात भर सो नहीं पाओगे। ठीक है, इस ट्रैक्टर में इतना कम्फर्ट लेवल हाई है, आप सोच नहीं सकते। मैंने एक जॉन डियर लिया है नया। बिल्कुल। मेरे ड्राइवर उसको नए जॉन डियर को चला के राजी नहीं है, मेरे ट्रैक्टर इसको चला के ज़्यादा राजी है। अच्छा जी। खुश हैं वो, कहते हैं भाई साहब इसी को चलाएंगे। लेवलर पे के लिए मैंने स्पेशल लिया था, वो चलो इस पे भूसी वाली मशीन और उस पे लेवलर चला, लेकिन लेवलर मुझे ड्राइवरों के चक्कर में इस पे चलाना पड़ रहा है। वो कौन सा मॉडल है जॉन डियर का वैसे? वो 5305 है। ट्रैक्टर बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन जो कम्फर्ट लेवल इन्होंने दिया है वो मुझे नहीं लगता आज इसके कंपटीशन में किसी भी ट्रैक्टर में होगा। बिल्कुल। कंफर्ट तो यहाँ पे बहुत कंफर्ट है, यहाँ पे मैंने देखा है जो गियर बॉक्स के और सीट के बीच में बहुत कम दिक्कत होती है। और काफी आपने दुर्घटना देखी होगी, जो कभी एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के पेट में स्टीयरिंग घुस गया, बहुत देखा है मैंने, बहुत देखा है। और काफी लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए, जो कुबोटा कंपनी ने काफी अच्छा सुधार किया है। तो और बताइए ट्रैक्टर के बारे में वैसे? वैसे जो मुझे ज़्यादा फर्क लगा है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, जैसे आप हर चीज़ देख लीजिए, इसकी जो फिटिंग है, बिल्कुल, ये ट्रैक्टर की देखिए यहाँ से लेकर जो फिटिंग है, ये पीछे से आइए आप घूम के, मैं आपको दिखाता हूँ उधर से। तो अभी तक ट्रैक्टर में कोई लीकेज वगैरह का चांस तो कोई लीकेज नहीं है, किसी तरीके की कोई लीक आपके सामने है इस टाइम फेयर में चल रहा है ट्रैक्टर। बिल्कुल, कोई आपके सामने ऐसी वाली कोई बात नहीं, कहीं से कहीं कोई पाइप पाइप भी लीक नहीं है। बिल्कुल जी। इसकी जो फिटिंग है देखिए आप, हर चीज़ की फिटिंग, बोनट खोलना बेटा जरा। और भैया अभी आप, सॉरी, ये देखिए एक मिनट। हाँ जी, खुल जाने दो, मैं कुछ भूल गया, कुछ बोलने वाला था। हाँ, अब चल रही वीडियो। हाँ, चलो। ये पंप की सेटिंग देख लीजिए, फिटिंग देख लीजिए, कितनी पंप है इसका, पंप बताओ। ये पंप है सर इसका। अच्छा, ये पंप है। हाँ जी। इसका तो डिजाइन ही चेंज है पंप का। डिजाइन सर इसका इनबिल्ट पंप है, बॉडी में पंप है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, आप कभी भी पंप खोल सकते हैं। अच्छा, फिट कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है इसकी। इसके ये देखिए, छोटा सा एक हाइड्रोलिक का पंप है। अच्छा जी। पूरा काम कर रहा है, लिफ्ट का भी और लेवल, जो आपका पीछे जो भी अप्लीमेंट चलता है, छोटा सा पंप। अच्छा। है कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है 15-20 साल एडवांस टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी। EGR दिया है इसमें इंजन को ठंडा करने के लिए। अच्छा जी। और हर चीज इतनी अच्छे से उन्होंने डिजाइन करी, अच्छे से उसको
मतलब इम्प्लीमेंट करा है इसमें कि आप सोच नहीं सकते इतनी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। अच्छा, हम तो बड़े खुश नसीब हैं हम ये ट्रैक्टर को चला रहे हैं। तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अपने इंडिया में सबसे ज्यादा पता क्या होता है? हाँ जी, लोग ट्रैक्टर का तेल ज्यादा मतलब छेड़ते हैं पंप से। इसमें तेल बढ़ सकता है वैसे नहीं बढ़ सकता है क्या? नहीं सर, इसमें आपको तेल बढ़ाने या कम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसका बहुत बड़ा एक रीजन है। आप आज लेवलर चला रहे हैं, बिल्कुल जी, तो सर ये इतना जायज तेल खाता है लेवलर पे, और अगर आपको इसी टाइम कहीं लोड पे चलाना पड़ गया तो यही इसी तेल की सेटिंग पे आप जितना मर्जी लोड डाल लीजिए आपका तेल उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल जी, वैसे अपने इंडिया में होता नहीं होता। हाँ जी, ये आम बात है कि ट्रैक्टर का तेल बहुत बढ़ाते हैं सर। होता है जैसे हमारे मेरे नोन कई लोग हैं, हाँ जी, जब वो कहीं छोटा काम करने जाते हैं आधी चूड़ी एक चूड़ी तेल कम कर लेते हैं, जब हैवी काम करते हैं एक दो चूड़ी बढ़ा लेते हैं। तो वो जो चीजें हैं इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया कंपनी ने, लेकिन उस ऑप्शन के लिए बहुत कुछ दिया ऐसा कि आपको उन चीजों की जरूरत ही नहीं है। और इससे ट्रैक्टर की लाइफ भी बढ़ती है। तेल बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर की इंजन की लाइफ कम होगी नहीं होगी? वैसे सर मैं बिल्कुल होगी, जितनी छेड़खानी हम करेंगे ट्रैक्टर कंपनी ने जो कुछ दिया बहुत सोच समझ के, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। कोई भी चीज छेड़खानी किसी चीज के साथ मेरे हिसाब से कंपनी ने जो दिया उसके साथ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बाकी मेरे पास इससे पहले हॉलैंड होता था, न्यू हॉलैंड 5500 था। अच्छा। सर बिलीव करिए उस टाइम सिर्फ मैं खेती करता था, मैं ना मेरे पास भूसी वाली मशीन थी, रीपर था। अच्छा। लेवलर था, सिर्फ खेती में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई उसमें कि आप सोच नहीं सकते। उस हिसाब से अगर मैं इसको देखूं जितना हमने इसे काम लिया है, बिल्कुल जी, मतलब और जितना हमने इसको तोड़ा है ट्रैक्टर को, इसको कुछ भी नहीं हुआ आज तक, वैसे का वैसा ही है। आज इसको धो के खड़ा कर दें शोरूम कंडीशन में, ट्रैक्टर तो बहुत साफ लग रहा है मुझे। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, नीचे दिखाओ जरा, कहीं कोई लीकेज के चांस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर 5000 घंटे चल चुका है, आप मीटर देख लीजिए। अभी मीटर भी आपको दिखाएंगे भाइयों। तो यहाँ पे इसका पावर स्टीयरिंग, इसमें दिक्कत तो नहीं आई? पावर स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ एक ही बात की, जो एंड और इसका ये बाल जॉइंट है। अच्छा जी, ये एंड है, इनमें दिक्कत है, जैसे हमें ये बांधना पड़ रहा है इस टाइम। अच्छा जी, मैंने नए डलवाए, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको ना बांधूं तो ये एक सीजन में मेरे या दो सीजन में खत्म हो जाए।